आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, आपका दिया गया है फर्स्ट में है x प्लस 1, सेकंड में है x माइनस 1/2, इस तरह करके एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस 1, ओके तो सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा p x x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें हम लोग को पुट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे when px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, जो हम लोग को फर्स्ट में दिया गया है, यहाँ लिखेंगे दैट इज x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ओके तो इसमें हम लोग यहाँ करेंगे, देखिए तो यहाँ लिखेंगे p माइनस 1 इक्वल टू, अब इस जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 का q प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। देखिए इसको क्यूब करेंगे तो माइनस 1, इसके बाद प्लस, देखिए अगर इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 3 प्लस 1। तो अब देखिए इसमें होगा क्या, ये दोनों तो कट जाएगा ही, ओके ए भी माइनस ए भी, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये भी कट जाएगा, तो ओवरऑल 0। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 1/2, ओके तो ओवरऑल करना क्या है, देखिए सबसे पहले x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 करेंगे तो उधर जाएगा तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ हम लोग को करना पड़ेगा p 1/2 इक्वल टू 1/2 का होल क्यू प्लस 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 1/2 पुट किए, अब इसका क्यूब करेंगे तो 1/8 प्लस, देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8, ओके यहाँ हो जाएगा 1, इसके बाद 6, इसके बाद यहाँ देखिए ये हो जाएगा 12 प्लस 8। ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 27/8, ओके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:3/8, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें, इसमें है 0, ओके जो दिया गया है x इक्वल टू सिर्फ x है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे p 0 इक्वल टू 0 का क्यू प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। तो ओवरऑल क्या हो गया रिमाइंडर, यहाँ लिख देंगे रिमाइंडर इक्वल टू 1, ये आपका आंसर है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो x प्लस पाई, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस पाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाई, तो यहाँ सिंपली में हम लोग ऐसे कर सकते हैं p, देखिए p माइनस पाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग पाई पुट करेंगे, प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1, ओके इसको कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए इसको
कंप्लीट लिखेंगे, माइनस पाई क्यू हो गया प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन, ये आपका रिमाइंडर है। ओके, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर फोर का। क्वेश्चन नंबर देखिए फोर था, ये क्वेश्चन नंबर फाइव है। क्वेश्चन नंबर फाइव में है फाइव प्लस टू एक्स, तो ओवरऑल इसको हम लोग जीरो करेंगे, तो इसमें होगा क्या, देखिए फाइव को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस फाइव, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसमें अब हम लोग पुट करेंगे, तो पी माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू का होल क्यूब प्लस थ्री माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव बाय टू प्लस वन, ये हम लोग यहाँ तक लिख दिए। अब करना क्या है, इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस वन ट्वेंटी फाइव बाई एट प्लस सेवेंटी फाइव बाई फोर माइनस फिफ्टीन बाई टू प्लस वन। ओके, देखिए वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन फिफ्टी माइनस सिक्सटी प्लस एट डिवाइडेड बाई एट। ओके, अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं माइनस थर्टी फाइव प्लस एट बाई एट। ओके, तो ओवरऑल यहाँ लिखिए माइनस ट्वेंटी सेवन बाई एट, ये आपका रिमाइंडर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो हम लोग को इसको कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे पी एक्स एक्स क्यू है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, यहाँ तक लिख लिए। यहाँ लिखेंगे अब हम लोग करना क्या है, देखिए दिया गया है एक्स माइनस ए इक्वल टू हम लोग जीरो करेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग a पुट करेंगे, तो पी ए तो a का क्यूब माइनस a a का स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस ए। ओके, ए क्यूब यहाँ से भी देखिए ए स्क्वायर और a क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस ए, ये तो कट जाएगा एक प्लस एक माइनस में। अब देखिए सिक्स में वन गया तो कितना बचेगा फाइव, तो यहाँ लिखेंगे फाइव ए, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में है देखिए चेक वेदर सेवन प्लस थ्री एक्स इज ए फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सेवन प्लस थ्री एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो देखिए ई प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस में, तो थ्री एक्स इक्वल टू माइनस सेवन एक्स इक्वल टू माइनस सेवन बाय थ्री, यहाँ तक कर लिए। अब हम लोग यहाँ हम लोग पुट करेंगे। ओके, तो ओवरऑल पी माइनस सेवन बाय थ्री इक्वल टू थ्री माइनस सेवन बाय थ्री का क्यू प्लस सेवन माइनस सेवन बाय थ्री, अब इसको कैलकुलेट करना है। ओके, तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री फोर थ्री बाय नाइन, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ओके, तो यहाँ लिखेंगे फोर्टी नाइन बाय थ्री, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए देखिए यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं थ्री फोर थ्री, ये माइनस में है ये भी माइनस में है। ओके, डिवाइडेड बाय नाइन, ओवरऑल क्या हो जाएगा फोर नाइन्टी बाय नाइन, ये आपका रिमाइंडर है।